खबर गाजीपुर जखनिया से है, जहां भुरकुरा थाना कोतवाली के अंतर्गत भुरकुरा गांव के अंदर पिछले 14 तारीख को राजेश यादव पुत्र हरिनाथ यादव की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद गांव के लोग काफी सतर्क हो गए। राजेश यादव पुत्र हरिनाथ यादव को कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने पर पूरे परिवार को स्वास्थ्य विभाग जांच के लिए अपने साथ लेकर चली गई, लेकिन भुरकुरा गांव में शासन की तरफ से कोई व्यवस्था न होने के कारण गांव के लोग काफी परेशान हो गए। पुलिस के जवानों द्वारा भुरकुरा गांव को सील कर दिया गया और 16 तारीख की दोपहर 2 बजे नेशनल खबर 9 की टीम जब भुरकुरा गांव में पहुंची तो देखा कि राजेश यादव कोरोना पॉजिटिव के दरवाजे 2 मवेशी बांधी गई हैं, जिसे चारा व पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। गांव के लोग उनके दरवाजे जाने में डर रहे हैं, मवेशियों तक जाना मुश्किल हो जा रहा है। इस संकट के घड़ी में इन बेजुबान जानवरों को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है, जो भूखे मर रहे हैं। गांव के लोगों से जब हमारे संवाददाता कमलेश यादव ने बात की तो गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। कमलेश यादव, नेशनल खबर 9। इस समय मैं भुरकुरा गांव में हूं, जो दिखा रहा हूं, 14 तारीख को यहां मिले थे कोरोना राजेश यादव और उनके पिता का नाम हरिनाथ यादव था। ग्राम भुरकुरा में इस समय हम हैं, हम आपको दिखा दें। देखिए इस समय इनके पूरे परिवार के लोग चेक कराने के लिए चले गए हैं गाजीपुर और पूरा घर खाली है। इस घर को हम दिखा रहे हैं, हमारे घर को हम दिखा रहे हैं। देखिए कैमरा में जरा उधर करिए, देखिए कोई घर में इसे दिखाई नहीं। और यह पशु हैं जिसे खिलाने वाला भी कोई नहीं है। और लीजिए थोड़ा सा हमें गाँव वालों से पूछिए यहाँ की व्यवस्था क्या है। आइए पूछते हैं इसे। क्या नाम है भैया आपका? संतोष यादव। 3 दिन हो गया हमें कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की यहाँ, सब यहाँ कोई गांव वाले आज नहीं रहे की व्यवस्था सरकार के यहाँ से नहीं भाई नहीं हुई अब तक, इसलिए पशु कोई चारा नहीं डाल रहा। ऐसे सब दूर दूर में सोच रहे हैं कि सरप्राइज हो जाए तब जाए पशु को चारा डालने पानी पिलाने। डर है कि यहाँ आने से कोरोना पकड़ लेगा। हाँ, सब लोग डर है, ऐसे में कोई दवा का छिड़काव नहीं के लोग आ नहीं रहे हैं, डर लग रहा है। शासन लगा दिए चारों तरफ, कोई नहीं निकल रहा है, कोई हल रहा है। रिश्तेदार भी आके नहीं खिला सकते नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? अच्छा, आप बताएंगे इनके घर में कोई इस समय है? कोई नहीं। कब से नहीं है? पशु से कोई नहीं है? पशु का पशु से इसी तरह रह रही है, इसी तरह कोई आ नहीं रहा है। सैनिटाइजर होगा इस गाँव में? सैनिटाइजर के लिए कोई अधिकारी नहीं आया? सब सर आ रहे हैं, उधर से बाहर चले जा रहे हैं। उन्हें गाँव में घुस नहीं रहे? ये है व्यवस्था सरकार की, जो देख लीजिए घर पे पशु बधी हुई है और कोई इसको खिलाने वाला नहीं है। गांव के लोग डर के मारे कोरोना के यहाँ कोई आता नहीं है। अधिकारी भी डर रहे हैं उतने, जो बॉर्डर पर से वापस चले जा रहे हैं, गांव में घुसने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही है। यह है सरकार हमारी, जो इस समय नाकाम दिख रही है। 4 दिन हो गया अभी इस भुरकुरा गाँव में सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं हुई, न भुरकुरा गाँव के किसी लोगों की कोई व्यवस्था की गई। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ अधिकारी हैं तो कोरोना बढ़ेगा नहीं तो क्या घटेगा। वहीं गांव को सील कर प्रशासन के कुछ कांस्टेबल अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। कड़कती धूप व तेज हवा में कांस्टेबल कैसे ड्यूटी निभा रहे हैं उनका दर्द वही जाने। ऐसे में एक सेक्टर पर खड़े कांस्टेबल जब बात की गई तो अपना दर्द बताते हुए कांस्टेबल ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही देख लीजिए। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कांस्टेबल राहुल गौड़। अच्छा, कब से आप यहाँ लगे हुए? 14 तारीख से। सर हमारी 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ड्यूटी है।
ज़्यादा मेहनत कर रहा है, रातों दिन एक कर दिया है। सारी कोरोना हो चाहे कई भी घटना हो, उसमें जा रही है पुलिस विभाग हमारी, लेकिन पुलिस विभाग को भी सारी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। ये हमारी सरकार है और इस सरकार की ऐसे सारी व्यवस्था देखने के बाद यह नाकाम नज़र आ रही है कि अपने ही कांस्टेबलों की व्यवस्था नहीं कर पा रही है और गाँव के लोगों में क्या व्यवस्था करेगी। फिलहाल प्रशासन की टीम आज गांव में पहुंचकर सैनिटाइजिंग का कार्य कर रही है ताकि फिर कोई दूसरा व्यक्ति संक्रमित न हो सके। जखनिया से कैमरामैन सुरेश चंद पांडे के साथ कमलेश यादव की रिपोर्ट। एक मिनट चाहिए। गाय में मार दो, गाय में अभी पेड़ में मार दो सारे को। उसमें मारी है उस वाले में। Hallelujah.
अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।